करोड़ों लोग अपने घर में अपने खर्चे पर मनाते हैं और उनके जन्म के लिए लोगों को बधाइयां देते हैं। श्री कृष्ण का जन्म ऐसे समय में हुआ जब पूरे देश को जरूरत थी कि धर्म के आधार पर चलने के लिए कोई रास्ता दिखाए, और एक बहुमुखी बहुआयामी व्यक्तित्व जो कहने को तो कभी राजा नहीं बन पाए, मगर एक ही व्यक्ति विश्व के सुप्रसिद्ध मल्ल को हरा पाए, इस प्रकार के मल्ल विद्या में प्रवीण थे, सबसे बड़े संगीतज्ञ थे, सबसे बड़े धनुर्धारी थे, सबसे बड़े तत्वचिंतक थे जिन्होंने गीता की रचना की और पूरा जीवन भारतवर्ष का भ्रमण किया और पूरे देश में धर्म की स्थापना की। और हम सब गुजरात वासियों के लिए ये हमेशा गर्व का विषय रहता है कि गुजरात श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। गुजरात की ही द्वारिका में श्री कृष्ण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा समय, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, मैं देश भर के दुनिया भर के करोड़ों लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे लिए और महत्वपूर्ण दिन है कि आज ही पैरा ओलंपिक्स में हमारे देश ने चार मेडल जीते हैं और चार मेडल जीतकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, एक गोल्ड, दो सिल्वर और एक कांस्य। और बहन अवनी ने तो, अवनी लोखारा ने गोल्ड जीतकर पूरे दुनिया में भारत का सिक्का जमाने का काम किया है। और हम सब गुजरातियों के लिए गौरव का विषय है, कल गुजरात की ही बेटी भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीतकर देश के साथ साथ गुजरात का भी गौरव बढ़ाया है। मैं सभी खिलाड़ियों को, सभी विजेताओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे पर भी वो खेल जगत में अपना नाम रोशन करते रहे। मित्रों, आज जन्माष्टमी है, बाल गोपाल को तंदुरुस्त बालकों में मॉडल माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही कई बड़े बड़े असुरों का संहार किया था और बालक का स्वास्थ्य कैसा हो सकता है उसका मॉडल है तो श्री कृष्ण बाल गोपाल। और आज के ही दिन मेरे हृदय में बहुत आनंद है कि मेरे क्षेत्र के, गांधीनगर क्षेत्र के लगभग 7000 से ज्यादा माताओं उनके कुपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हम उनको हर महीना, जब तक बच्चा जन्म नहीं होता, हर महीना उनको महीने के 15 मगज के लाडू स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से देंगे। सरकार के ढेर सारे प्रोग्राम चलते हैं, मैं बाद में इसकी बात करूंगा, परंतु मैं विशेष उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में सरकार का एक पैसा भी लगने वाला नहीं है, ये जिम्मेदारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने उठाई। और मैं वो सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का इस क्षेत्र के सांसद के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने गरीब माताओं के पोषण की चिंता की है और उस वक्त की है जब माँ को, जब बहन को सबसे ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, वो सगर्भा होता है, उसको एक शरीर का पोषण नहीं करना, उसको दो दो शरीर का पोषण करना है, पेट में जो बच्चा है उसको भी एक स्वस्थ नागरिक बनाकर देश को भेंट देना। उस वक्त आपने ये जो मगज के 15 लाडू सगर्भा बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रयास किया है,
मैं इसको साधुवाद भी देता हूं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव चल रहा है। 2022 15 अगस्त को जब अमृत महोत्सव होगा तब देश के प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि देश की माता सुरक्षित रहे, देश का बच्चा सुरक्षित रहे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।